Hello students and welcome back to bankexamstoday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, Bank of Maharashtra Credit Officer notification is out and today we are going to discuss the questions asked in the previous papers. My name is Ramandeep Singh and I've been teaching on Bank Exams Today from last 12 years now. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts. By doing analysis of previous paper, by going through the previous papers, that will help you to understand what kind of questions are asked in the real exam. किस तरह के questions पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना क्या चाहिए exactly. ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है. मोस्टली जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो पिछले पेपर्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी के बेसिस पे अपना खुद का सिलेबस तैयार करते हैं, वही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिमिलर क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, वो ट्रेंड सेम रहता है. ठीक है, सो गिव इट अ लुक. The most important question, the priority sector lending. Priority sector lending is very important students. हर साल एक दो questions आते हैं. Full form of FEMA, IFSC, reverse repo rate कितना, SLR rate कितना, basic questions are also there. Negotiable Instrument Act से question आया था. If check में अगर number में कुछ अलग figure दिया है और figures और जो words में अलग है, numbers में अलग है, तो कौन सा देखा जाएगा, words वाला देखा जाएगा. लोक अदालत का limit, बेलर बेली अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरबीआई कंसोर्टियम, इट्स एन आरबीआई सर्कुलर. आरबीआई सर्कुलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन पीएसएल इज एन आरबीआई's मास्टर सर्कुलर. डीडी शुड नॉट बी गिवन अबव 20,000 रुपी. कैन यू बिलीव इट दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि ये आरबीआई सर्कुलर का ही पार्ट होते हैं, आरबीआई सर्कुलर्स में इनका एक पॉइंट रहता ही है. इसका भी था इन 2020s, आई स्टिल रिमेंबर. सो इट्स देयर इन द आरबीआई सर्कुलर, इट्स देयर इन द न्यूज़ एंड देन इट बिकेम अ क्वेश्चन. तभी ये इसी कारण ये एग्ज़ाम में आया है. बेसिक न्यूमेरिकल, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है लेजर्स की, यू कैन ईजिली डू दैट. एएमएल डॉक्यूमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 5 years, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज, डेफर्ड बैंक गारंटी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंड अलोन एलसीज, समैरा और केयर का फुल फॉर्म, राइट. BSBDA अकाउंट लिमिट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. गवर्नमेंट स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. RBI लेंडिंग अगेंस्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड विच रेट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. CRR SLR कर चुके हैं. SLR कम्स अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी, नाउ दैट इज अंडर लिमिटेशन एक्ट, जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है कोर्स में, उसमें आपका आता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर. ओके, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दैट, कितना प्रीमियम है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैक्सिमम एज टू ज्वाइन, काफ़ी बार चेंज होते हैं ये नंबर्स. नॉट दैट कि आप कोई बुक ले लो मार्केट से जो 5 साल पहले प्रिंट हुई थी और उसको पढ़ के पेपर देने जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी बार चेंज होते हैं. डिसओनर ऑफ चेक इज़ अंडर सेक्शन 138, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 2 साल का होता है. वेरी इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल एक्ट का क्वेश्चन, राइट. बैंक गारंटी, लेटर ऑफ कम्फर्ट, इंटरनल ओम्बड्समैन, आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन आते थे. मीडियम इंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट, जो कैटेगराइजेशन की जो नंबर से काफ़ी चेंज हो रहे थे, 2 बार चेंज हुए थे, उसमें से क्वेश्चन था. व्हेन अ कस्टमर प्रेजेंट्स अ चेक टू द ब्रांच फॉर पेमेंट, अगेन फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, कोलेटरल फ्री बाय एनबीएफसी, दिस इज एन आरबीआई सर्कुलर. एविडेंस एक्ट, दिस इज अगेन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन. सरफाइसी एक्ट, आरबीआई सर्कुलर एंड करंट रेशियो. So one understanding that you can make is, first, RBI circulars are very important in most credit officer exams. Then FMK topics बहुत important हैं. For example, ratio analysis, cost of capital, capital structure बहुत important है. Ratio analysis सबसे ज़्यादा important है. ठीक है. Another important factor कि laws का पढ़ना बहुत ज़रूरी है. Negotiable Instrument Act is very important. Okay. NPA से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सरफाइसी, राइट. सरफाइसी एक्ट एंड IBC, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो पिछले 4-5 साल का जो एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करके ये कुछ एक अंडरस्टैंडिंग मेरी निकल के आई है कि दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद कुछ रीसेंट एग्ज़ाम्स में टॉपिक्स आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल IRAC नॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए हैं जो पहले नहीं आते थे। एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये कुछ एक लेटेस्ट मैं कहूँगा ट्रेंडिंग टॉपिक है, डॉक्यूमेंटेशन, IRAC नॉर्म्स एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस, इसमें से क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, कीप दैट इन योर माइंड। जनरल अवेयरनेस में से MOUs बिटवीन बैंक्स, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, हिलेरो मूवी इन विच लैंग्वेज, नेशनल अवार्ड। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, यू कैन ईजिली क्रैक इट। बुक बाय S. जयशंकर, कमला हैरिस बुक्स, JDU सीट्स इन बिहार इलेक्शन, मुँह बांध रखो कैंपेन बाय HDFC, चीफ विजिलेंस ऑफिसर नेम, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उत्तराखंड फाउंडेशन डे, स्विफ्ट फुल फॉर्म, क्रिलिक्स फुल फॉर्म, ये कर चुके हैं। वाइट हार्ट जूनियर अक्वायर्ड बाय विच कंपनी, दैट वाज इन द न्यूज़ राइट, so which company was formed in 2000, minimum paid up capital for ARC, this is an RBI circular but ये general awareness में आ गया। IWG recommendation for raising small finance bank, this isn't it's a news, इसको RBI circular नहीं बोल सकते क्योंकि it's a recommendation। what do you mean by QR code, who headed the QR code committee, IPL emerging player of the year, डिजिटल कैंपेन थीम, वर्ल्ड साइंस डे, PM आवास योजना कंप्लीशन ईयर, नरसिम्हन कमेटी, अपोलो हॉस्पिटल टाई विद HDFC, फ्लोटिंग पार्क विच हाई कोर्ट ब्रॉडकास्ट थ्रू YouTube लाइव स्ट्रीम, गुजरात हाई कोर्ट, सो मोबी क्विक हेडक्वार्टर्स, पेटीएम बैंक एज विद द KYC एट द एंड ऑफ द डे लिमिट, दिस इज़ एन RBI सर्कुलर राइट, भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सिचुएटेड एट विच सिटी, ग्रू home finance merge with which bank, that was in the news, PCA was in the news in 2020, अब नहीं है। India Post has launched PMJJBY in partnership with whom, Reliance Retail and Saudi Arab public investment fund से related question थे, which bank cannot give lending, and जनधन योजना, मुद्रा लोन, company law limit to direct borrowing for directors, GST is applicable to bank from which year, which bank take credit loan to JICA, small help group loan limit according to their profit, HFCs housing loan, this is an RBI circular, Pradhan Mantri Har Ghar Jal Yojana, UNESCO based questions, religious based questions, RBI circulars, question based on SEBI, loan sanction questions on World Bank. So these are some of the kind of questions that you can expect in your exam. So soon Bank of Maharashtra Scale 2 and Scale 3 Credit Officer 2023 course is available on Bank Exams Today. In this course we are going to provide video classes, the test series, live sessions, booklets, notes and the doubt clearing sessions. Link to join the course is available in the description. Please check the description to start your preparations, right? So list of our successful students, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams, the PNBSO Credit Officer 2023, Bank of Maharashtra Journalist Officer 2023, RRB Scale 2 Scale 3 2022, 2022 Bank of Maharashtra Journalist Officer, RRB Scale 2 2021, 2020, 2019. All these students that took our courses for various Credit Officer and Journalist Officer exams and they cracked their respective exams and I'm really happy for them. So you can be one of them. Link to join the course is available in the description. Please check the description. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.